सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है वीवो X90 प्रो प्लस। ये वीवो की X90 सीरीज का एक डिवाइस है। और यहाँ पर आप एक चीज देखो, ये फोटो यहाँ पर आई है और जो इन्होंने पोस्ट करी है इन्होंने, इनका नाम है टेक रिक्वायर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पे है पेज ये, तो आप इन्हें चेकआउट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर इस रील को या फिर इस शॉर्ट वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इसका मेन मकसद है कैमरा, क्योंकि वीवो की एक्स सीरीज जितनी भी है वो सारी की सारी कैमरा सेंट्रिक होती है, और स्पेशली रियर कैमरा। क्योंकि इसके जो X80 सीरीज थी उसके अंदर जिम्बल आ गया था कैमरे के अंदर, जिम्बल या जिम्बल जो भी हम बोलते हैं, तो जो प्रोफेशनल जिम्बल होता है वो आपको कैमरे के अंदर ही मिल गया था बैकग्राउंड में, मतलब जो रियर कैमरा होता है। अब जो है इस बार कैमरे के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, तो क्वाड कैमरा सेटअप हमें मिलेगा देखने को रियर के अंदर, जो एक सेंटर मतलब सर्कल पंच होल के अंदर आता है ये देखो। और उसके बाद अब बात करते हैं इनके कैमरा की स्पेसिफिकेशन की। तो यहां पर आप देख सकते हो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है सबसे पहला, तो ये है वाइड एंगल। और इसके अंदर हमें जो अपर्चर मिलता है वो है f1.75 का, 23mm का है और ये प्रॉपर 1 इंच टाइप का है। तो कैमरा काफी बढ़िया है वाइड एंगल में। और अब बात करते हैं 64 की, तो 64 मेगापिक्सल आपको मिलेगा टेलीफोटो, लेकिन ये पेरिस्कोप है। तो यहां पर आप देखो, आपको अगर मैं एक बार थोड़ा सा दिखाता हूं, देखो ये स्क्वायर के अंदर है तो ये पेरिस्कोप कैमरा है और टेलीफोटो जूम आपको काफी तगड़ा देगा। अब अगर बात करें थर्ड कैमरा की, तो ये है 50 मेगापिक्सल का, ये भी टेलीफोटो है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इन दोनों के अंदर डिफरेंस। सबसे पहले बात करते हैं, ये 90mm की फोकल लेंथ पे है, ये 50 भी है। अपर्चर इसका 1.6 है, इसका 3.5 है। और उसके बाद देखो ये इसके अंदर और है, इसके अंदर ऑटो फोकस मिल जाता है, 2x ऑप्टिकल जूम मिल जाता है और यहाँ पर OIS भी मिलता है। तो यहाँ पर हमें 3.5x ऑप्टिकल जूम मिलता है, लेकिन OIS भी है और PDAF भी है। तो यहाँ पे ये बड़ा अजीब सा लगा कि यार दोनों ही टेलीफोटो दे रखे हैं इसके अंदर, कुछ यूनिक दे देते तो बेटर रहता। लेकिन फिर भी 64 प्लस 50 मेगापिक्सल का कैमरा भाई बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं फोर्थ कैमरा की, तो वो है 48 मेगापिक्सल का और ये है अल्ट्रा वाइड। यहाँ पर आप देख लो ये अल्ट्रा वाइड है, 114 डिग्री का जो वाइड लेंथ है ये कैप्चर कर सकता है ये वाला। और ऊपर जो था ये 50 मेगापिक्सल का, इसकी जो लेंथ है मतलब ये मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, आपको इसके अंदर OIS का मेन कैमरा मिलता है, 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप मिलता है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिलता है और 48 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। तो बड़ा कमाल का कैमरा सेटअप आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है वीवो की X90 प्रो प्लस के अंदर। तो अगर आपको रियर के अंदर काफी तगड़ी फोटोग्राफी करनी है, वीडियोग्राफी करनी है, तो आप इस फोन को देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। तो ये थी एक शॉर्ट वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेन वीडियोस के लिए।